हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तेरे होमी कोच डोबरा उत्तरम। सो वेलकम बैक टू पवन सिंह ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आया जा रहा हूँ आज मार्केट में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। आज मौसम है यहाँ पे बहुत बढ़िया, देख सकते हो सूर्यदेव मेहरबान है आज क्रिसमस के उपलक्ष में। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, मैं दिखाऊँगा आपको आज यहाँ पे क्रिसमस मार्केट कैसी सजी हुई है। मैं थोड़ा रेस्टोरेंट के लिए सामान लेने के लिए जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे मौसम ऐसे ही ठंडा है, बर्फ़बारी तो हो ही रखी है यहाँ पे, कल भी थोड़ा बर्फ़ पड़ी थी और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, मौसम बहुत ठंडा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्रिसमस मनाइए अपने फैमिली के साथ। और अब मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट में, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, मेरे घर से बहुत नज़दीक है और मैं जा रहा हूँ मार्केट में। तो आप सभी को मैं मार्केट का दृश्य दिखाऊंगा कि क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे मार्केट कैसी सजी हुई है। और यहाँ पे 24 को मार्केट सारी 1-2 बजे बंद हो जाएंगी, क्रिसमस को पूरा ही बंद रहेगा और फिर 26 तारीख को आधे दिन के लिए खुलेंगी, फिर 27 को नॉर्मल, फिर 31 को फिर आधे दिन, ऐसे यहाँ पर चलता रहेगा एक हफ्ते तक, लोग खूब इन्जॉय करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको आगे मार्केट का दृश्य। मैं आपका अपना दोस्त पवन कुल फ्रॉम एस्टोनिया से। ठीक है, रोता मार्केट टोंडी तामा साढ़े 3 में पड़ता है, हमारे घर से बहुत नज़दीक। जैसे आप यहाँ से एंट्री करोगे, ये एंट्री गेट है इसका, और जाते ही आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिसमस ट्री, देख सकते हो। ये तैयारी चल रही है आजकल यूरोप की, ये है यहाँ का चारों तरफ क्रिसमस ट्री। मैरी क्रिसमस एवरीवन इन एडवांस माय फ्रेंड्स। दोस्तों ऐसे सजी यहाँ पे क्रिसमस की मार्केट। मैं भी आया था दोस्तों यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा मैंने भी सामान लिया है रेस्टोरेंट के लिए। और अब चलते हैं यहाँ से वापस, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा क्रिसमस में यहाँ पे मार्केट कैसे सजी हुई। ये मार्केट रात 2 बजे बंद हो जाएगी और कल पूरे दिन भर बंद रहेगी, फिर परसों को लेगी सुबह में। तो दोस्तों यह है आज एस्टोनिया का नज़ारा, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्फ़ पड़ी हुई और बर्फ़ के ऊपर चमचमाती हुई धूप और बहुत ही प्यारा नज़ारा, यहाँ पे सुनहरा नज़ारा आप बोल सकते हो। और सूर्यदेव भी मेहरबान हो रखे हैं, दिल से नमन है सूर्यदेव को जिन्होंने आज ऐसा सुंदर दृश्य देखने का मौका दिया है क्रिसमस के उपलक्ष्य में। यह सूर्यदेव की तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट समझ लीजिए हम लोगों के लिए। यूरोप में एस्टोनिया में इतना प्यारा नज़ारा शायद ही मैंने कभी देखा हो, और बिल्कुल चमचमाती हुई धूप, रास्ते देखिए आप बिल्कुल बीच से साफ हो चुके हैं, साइडों में बर्फ़ के टीले जमे हुए हैं और उनके ऊपर चमचमाती हुई धूप है, रोडें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं क्रिसमस के से पहले पहले, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे यहाँ पे। माइनस में अभी टेम्परेचर है -12 में, और मैं सिर्फ आ रखा हूँ आप लोगों के लिए सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ से अभी मार्केट के अंदर था, मार्केट से सामान लिया है और इन नज़ारे मैं पैदल ही आ रहा हूँ ये सब नज़ारा देखने के दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़ारा,
और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो आप, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएगा कि आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगे। देखो जंगल में बर्फ़ गिरी और बर्फ़ के ऊपर धूप, जंगल में कितना प्यारा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँ। अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ, कोशिश यही रहती है मेरी कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ मैं। और यहाँ देख सकते हो आप, पेड़ों के बीच में यूरोपियन लोग, हमारे भाई लोग अपना क्रिसमस मना रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ में ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होता है जितना हमें ठंड फील होती है यहाँ पे। ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। दोस्तों बोलते हैं ना यार कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतनी ठंड में आ रखा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ना दृश्य देखने के लिए थोड़ा ठंड तो सहनी पड़ेगी भाई लोगों, क्योंकि आज मौसम भी बिल्कुल सोने पे सुहागा हो रखा है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताएगा आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो मैंने आपको अभी मार्केट दिखाया, अंदर मॉल दिखाया और बाहर मैंने आपको मौसम का मिजाज दिखाया, इतना सुंदर मौसम दिखाया और सूर्यदेव को तो मैंने दिखा ही रहा हूँ, मेहरबान हो रखे हैं सामने से, आप देख सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।